हेलो एवरीवन, दिस अभिषेक। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम ऑयल पेस्टल को ब्लेंड करते हैं, कई सारे कलर्स को हम किस तरीके से हम ब्लेंड कर सकते हैं और कौन कौन से टूल हैं। सबसे पहले तो ये जो आप कलर्स देख रहे हो, इसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, एक वार्म और एक कूल। और यहाँ पे जो हम लोगों ने कलर लिया है वो है डोम्स का, और जितने भी नेम्स है यहाँ पर डिस्प्ले में है। और शीट जो लिया है हम लोगों ने 200 GSM अनुपम का है, एक वाटर कलर पेपर है। और यहाँ पे हम दो, जैसे मैंने आपको बताया कि दो हम बनाने वाले हैं, तो एक नाइट और एक इवनिंग का, दोनों को हम एक सीन क्रिएट करने वाले हैं। एक ही सेटअप हम डालेंगे यहाँ पे, एक सेटअप करेंगे यहाँ पे, जिसमें हम एक तरफ नाइट भी रहेगा और एक तरफ डे रहेगा। तो जनरली हम कैसे ऑयल पेस्टल को यूज़ कर सकते, जनरली जो कोई भी एक कैसे कलर जितने भी हैं उसको यूज़ करते हैं ऑयल पेस्टल कलर्स को। तो जैसे सबसे पहले देख रहे हो कि एक जो मीडियम कलर है ब्लू का, वो हम लोगों ने लिया स्काई के लिए। और यहाँ पे एक लाइट ब्लू है, तो लाइट ब्लू को हम लोगों ने बॉटम की में यूज़ किया। तो एक ग्रेडियंट हम बनाने वाले हैं यहाँ पे, टॉप टू बॉटम, डार्क टू लाइट। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोगों ने ब्राइट रखा है और ऊपर से, जैसे अभी आप देख रहे हो कि थोड़ा सा एक नाइट क्रिएट करने के लिए जो कलर वेरिएशन है वो दिया है हम लोगों ने। सबसे पहले ऊपर जो है डार्क पर्पल है, उसके नीचे ब्लू है, ब्लू के नीचे लाइट ब्लू है। और अनदर साइड हम लोगों ने सेम किया यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो रेड है, और रेड के बाद फिर हम ऑरेंज रखेंगे, ऑरेंज के बाद फिर येलो। तो ये जो है एक कितना हम यूज़ करते हैं, देख रहे हो जैसे कि कितना हम कलर यूज़ करते हैं उसके बारे में आज बताऊँगा मैं। और ये जो बता रहा हूँ मैं कि जनरली लोग करते हैं और अपने हिसाब से किस तरीके से आप कलर जो है वो करते हैं, और कलर करने के बाद किस तरीके से ब्लेंड करते हैं, तो कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला, और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले टिश्यू पेपर, जो कि यूनिवर्सली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको हम लोगों ने फोल्ड किया 5 या 6, आप जो जितना भी कर सकते हो, जितना थिकनेस आ जाती है। और ऐसे हम लोग जनरली करते हैं। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि इसको हम ब्लेंड करने का तरीका क्या होता है, कि अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जैसे जनरली लोग करते हैं या तो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो कलर आ रहा है अभी देख रहे हो कि वर्टिकली कर रहा हूँ मैं, और वैसा ही कर रहा हूँ जैसे कि लोग यहाँ पे करते हैं, जितने भी बिगनर्स हैं वो करते हैं। और यहाँ पे फिर भी आपको एक डिसेंट जो होता है वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जो बिगनर से जो थोड़ा एडवांस लेवल जाते हैं वो, फिर भी आपको यहाँ पे तीन जो वेरिएशन है वो दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ब्लेंड अच्छे से नहीं हुआ है। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा कि जैसे आप देख रहे हो ऑरेंज, ऑरेंज में आपको और येलो में ब्लेंड अच्छे से नहीं हुआ, तो आपको जिस से ब्लेंड किया आपने, जैसे कि हम लोगों ने वर्टिकली किया, तो हॉरिजॉन्टली आपको वहाँ पे प्ले करना पड़ेगा हल्के से। और जब भी आप स्मर्ज करेंगे, जब भी आप ब्लेंड करेंगे, तो उसको आप थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में करेंगे। जैसे कि कई सारे ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा, मैंने बताया हुआ है कि आपको जो भी ब्लेंड कर रहे हैं आपको सर्कुलर फॉर्म में करना है। जैसे रेड और ऑरेंज में परफेक्टली ब्लेंड नहीं हुआ था, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, फिर आप वहाँ पे हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद सर्कुलर फॉर्म में उसको ब्लेंड कर देंगे, और वो भी बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से। तो ये जो प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी ब्लेंड नहीं हो पाता, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि जो टॉप कलर है उसको नीचे लेके आएंगे और उसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड से उसको हम सर्कुलर फॉर्म में ब्लेंड कर देंगे। और एक ग्रेडियंट इफेक्ट लाने के लिए, एक डार्क टू ब्राइट लाने के लिए, यहाँ पे हम लोगों ने डार्क ब्राउन का यूज़ किया। डार्क ब्राउन यूज़ करने के बाद थोड़ा ब्लैक भी यूज़ किया, कि एक अच्छा सा एक फॉल ऑफ इफेक्ट आएगा और एक वेरिएशन। जब तक चीज़ें नहीं दिखती हैं तब तक उसमें जो है कॉन्ट्रास्ट नहीं आता। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा ब्लैक का भी यूज़ किया, और ब्लैक यूज़ करने के बाद जैसे मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे एजेस होंगे ना, एजेस को आपको थोड़ा हल्का सर्कुलर फॉर्म में आपको लेके जाना है। और सर्कुलर फॉर्म में आप लेके जाओगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि ब्लेंड बहुत अच्छे से होगा। सेम चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, यहाँ पे जैसे नाइट का जो इफेक्ट है, तो उसको भी मैंने वर्टिकल फॉर्म में लेके गया हूँ मैं, जो कि नॉर्मली लोग करते हैं और कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये प्रॉब्लम्स आने के बाद उसका सोल्यूशन नहीं हो पाता, तो चीज़ें वैसे के वैसे रह जाती हैं। और मुझे कई बार लोगों ने पूछा है कि ये ब्लेंड बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, तो कैसे करेंगे। तो ये जो है आउटपुट जनरली मैंने बहुत लोगों का देखा है कि यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि जैसे मैं, हम लोगों ने वर्टिकली ब्लेंड किया इसको, तो मैंने हॉरिजॉन्टली इसको जितने भी कलर्स हैं, जैसे
आप देख रहे हो जैसे पर्पल है था वो हल्का किया हम लोगों ने, उसके बाद ब्लू है तो ब्लू को थोड़ा नीचे लिया हम लोगों ने ब्लेंड अच्छे से होने के लिए, उसके बाद लाइट ब्लू भी हम लोगों ने किया। तो इससे क्या हुआ कि प्लस जैसे आप कहते हो ना कि जो भी आपने ब्लेंड किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको प्ले करना है ऑल पेस्टल को ब्लेंड करने के लिए। और ये ब्लेंड करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सर्कुलर फॉर्म में उसको लेके जाना है, तो वो आप देखो कि धीरे धीरे वो चीज़ें जो है वो सटल होने लगती है और ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है। सेम चीज़ जो अनदर साइड हम लोगों ने किया था इवनिंग के टाइम पे, जैसे कि थोड़ा ब्राउन डार्क ब्राउन यूज़ किया, ब्लैक यूज़ किया, यहाँ पे भी हम डार्क ब्लू और ब्लैक का यूज़ करने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक का जो एजेस है उसको तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से पहले ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करते हुए फिर आपको ऊपर की तरफ के जो कलर्स है ना उसको आपको ब्लेंड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जैसे जैसे आप ब्लेंड करते हो तो कुछ इफेक्ट ऐसा आता है। तो यहाँ पे हम ग्रेफाइट पेंसिल लेते हैं बियानियों का, आप 8B 10B 12B ऐसे ले सकते हैं, लेकिन वो शार्पन होना चाहिए जिससे कि आपको एक अच्छा इफेक्ट आ पाए। और ट्री आपका कोई भी शेप होना चाहिए लेकिन वो सेंटर में प्लेस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा दिखा रहे हैं कि दोनों का कलर वेरिएशन और कलर ब्लेंडिंग जो है, तो इसमें मैंने आपको सीन बनाने का मतलब ये था मेरा कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम आती है, जैसे नाइट का हो या इवनिंग का हो, ब्लेंडिंग इशू क्या हो सकती है। तो दोनों तरफ से इशू जो था वो मैंने आपको दिखाया। नाइट में आपको हॉरिजॉन्टली जैसे हम लोगों ने ब्लेंड किया तो उसमें गैप्स आने लगे थे, गैप्स मीन्स कि आपको बिल्कुल ही एक एक जो वाइट का जो गैप होता है वो चीज़ें आने लगी थी। और इवनिंग में आपको जो दो कलर जो था ऊपर की तरफ रेड और ऑरेंज और नीचे ऑरेंज और येलो, उसमें आपको डिफरेंशिएट आने लगे, तो उसको हम लोगों ने ब्लेंड किया यहाँ पे जैसे कि आपको यूजुअली आते हैं इश्यूज। तो यहाँ पे ट्री जो है आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं क्योंकि वो क्या नेचर होता है। तो और यहाँ पे मैंने ड्राई जो ट्री होता है वो चीज़ें मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। तो ये जो ड्रॉ है आप कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रश पेन से भी कर सकते हैं या फिर आप परमानेंट मार्कर या फिर आप एक ब्लैक स्केच पेन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये किए हैं और मैंने चारकोल भी ट्राई किया लेकिन चारकोल से उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिवर्सली सबसे ज़्यादा लोगों के पास रहता है पेंसिल, तो पेंसिल तो सबके पास होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पेंसिल को लेके यहाँ पे ड्रॉ किया इसको। और ये देने के बाद फिर हम आगे इसका हाईलाइट देंगे, इसके बाद हम जो वाइट जेल पेन है उसका भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो एक ये एक बेसिक क्लास रहेगा सबके लिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग ये क्लास है जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी कि किस तरीके के हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं और कुछ उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या निकलना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप प्रॉब्लम आती है आप रुक जाते हैं, सॉल्यूशन आपको मिल नहीं पाता है। तो ये चीज़ें जो हैं एक बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने भी फेस की है और मुझे लगता है कि इससे बहुत लोगों को बेनिफिट होने वाला है। और इससे जो आपको बेनिफिट होता है वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कि हाँ ये आपको कुछ प्रॉब्लम्स थी इस तरीके की आ रही थी, आप सॉल्यूशन आपको मिला। तो ये जो सीन क्रिएट किया है मैंने बहुत ही सिंपल है, आप इसमें थोड़ा स्नो इफेक्ट दे सकते हैं, आप इसमें जो लीव्स हैं लीव्स बना सकते हैं। तो एक बेसिक जो चीज़ें हैं बेसिक प्लेटफॉर्म मैंने आपको दे दिया, इसके ऊपर आप क्या एनहांस कर सकते हैं ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे सेट कर दी, इसके आगे आप बर्ड बना सकते हैं, बर्ड उस पर बना सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताया कि सीज़न का है, सीज़न का भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक तरफ लीव्स हैं दूसरी तरफ उसी लीव्स पे स्नो है, वो इफेक्ट जो है वो चीज़ें हैं आप डाल सकते हैं। तो और एक झूला जैसा है कुछ, दोनों तरफ एक झूले का दिखा सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने इसके बाद थोड़ा ग्रास जो है जो जैसे जैसे वो पास आता जाएगा ग्रास वो थोड़ा बड़ा होगा, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। तो सीन को हम बिल्कुल ही एम्प्टी भी नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा कुछ कुछ वेरिएशन है वो सारी चीज़ें कर लेंगे। ये जितने भी ग्रास या जितने छोटे छोटे हैं छोटे छोटे के बाद फिर बड़े बड़े जो ग्रास हैं वो चीज़ें आप बना सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी क्रिएटिविटी है, कहीं कहीं आप छोटे दूर के जो ट्रीज़ हैं वो बना सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन मैंने फोकस जो रखा है एक ट्री को रखा है क्योंकि मुझे इस पर कुछ ट्रीटमेंट दिखाने हैं आपको। ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हाईलाइट्स हैं जैसे कि ग्लास मार्किंग पेंसिल है, वाइट जेल पेन है, इन सब का कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बताऊंगा मैं। क्योंकि इंट्रो क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ टूल्स हैं और टूल्स का आप कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आप जेंटली आप जितने भी ऑयल पेस्टल लगे उसको आप क्लीन कर लें, किसी भी एक मेकअप ब्रश या फिर कोई भी एक ब्रश है उससे आप कर लेंगे।
वाइट जेल पेन है जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें जो एक ग्रेड है 0.10 जो कि सकुरा का मैंने यूज़ किया, तो वहाँ पे आप बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से करना है। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड मीन्स कि एकदम धीरे धीरे, अगर आप फास्ट यूज़ करोगे तो वो रन नहीं करते क्योंकि ऑयल सरफेस होता है तो वहाँ पे हर चीज़ें जो है रन नहीं कर पाती। तो यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से करना है। आप जितने भी स्टार्स बना रहे हैं, अगर आप मून बनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी कैसे आप एक स्टेंसिल क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स कि एक सन के लिए आप जो एरिया है वो कैसे सिक्योर कर सकते हैं। वहाँ पे पेपर टेप का यूज़ करने वाले हम नेक्स्ट क्लास में, तो ये चीज़ें जो हैं हम आगे करने वाले हैं। तो लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आप जो है ग्लास मार्किंग पेंसिल जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे जैसे आपको एक लाइट सोर्स जो भी है उस लाइट सोर्स के डायरेक्शन में एजेस में आपको ड्रॉ करना है हल्का सा, और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड होना चाहिए कि एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम ब्राइट अचानक से नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप हल्का हल्का एक टेक्सचर जो होता है ट्री का, जो शेप होता है उस शेप में हम देंगे, जैसे कि जहाँ पे लाइट जो है वो हिट कर रही है ट्री को वहाँ पे ही हम कर रहे हैं। तो ये जो सीन है कुछ ऐसा हम लोगों ने क्रिएट किया है और थोड़ा ब्यूटीफाई भी किया। होपफुली ये ट्यूटोरियल जो है आप लोगों को पसंद आएगा। तो यहाँ तक ही हम आज का जो क्लास है वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है, अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।